ये मेरा रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर है, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा ही अपने कंसीलर को, अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा फाउंडेशन और ये सब अच्छी तरह से सेट हो जाए मेरी स्किन पे। सिर्फ ऐसे डैप डैप करके अब इसके बाद में अपना सेटिंग पाउडर लूंगी। ये स्पन का है ये वाला। अब मैं इसको लाइनर की मदद से थोड़ा सा इसको सेट करूंगी इस एरिया को। तो मेरा ये लाइनर है मैक का, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं अपनी मेहंदी, ये मैंने खुद लगाई है अपनी मेहंदी क्योंकि राइट हैंड पे तो मैं लगा सकती हूँ लेकिन लेफ्ट पे कैसे लगाऊं। तो अब इसके बाद ये मेरे पास ये वाइट पेंसिल जो अंडर आई में लगाती हूँ ये मैं लगाऊंगी, इससे आई बड़ी लगती है। अगर आपको अपनी ये जो कॉन्टोरिंग है बहुत परफेक्ट करनी है, खासकर ब्राइडल लुक के लिए, मैं करके बता रही हूँ आपको, ये मेरे ब्राइडल लुक के लिए है। ये देखें इस तरह से ये कॉर्नर इससे मिलेगा, इस तरीके से परफेक्ट कॉन्टोरिंग होती है आपकी। ये देखें तरह, दोबारा मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, एक लाइन सी मैंने दी है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से ब्लश ऑन। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको रखा है, इधर भी ये इस एरिए से
अच्छा आज जो मैं हाईलाइट करूंगी अपने जो इस एरिया को जो भी मुझे जहाँ पे मैंने लगाना है उसके लिए मैं ये ब्लश ऑन ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, और उसी की मदद से ये जो मैंने आई शेड पे लगाए हैं अपने यही मैं इधर लगाऊंगी, जो मैंने ये आई शेड पे ये शेड लगाया है यही मैं लगा के देखूंगी कैसा लगता है। थोड़ा सा इसको ब्लश ऑन ब्रश को क्लीन कर लूंगी ताकि कलर ना आए इसका। ब्लश ऑन ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं हाइलाइटर, बल्कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह से, बहुत ब्लेंडेड लगता है क्योंकि मुझे आदत है तजर्बे करने की। इस ब्रश से भी मैं यूज़ करती हूँ और इस तरह से भी लगाती हूँ, हर तरह से लगाने की कोशिश करती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लगा ब्लश ऑन ब्रश से। ट्राई कीजिएगा ये भी, ये टेक्निक है। उसके अलावा मैं ये वाला ब्रश लेके थोड़ा सा इसको ब्लेंड करूंगी इसी के ऊपर। ये मेरा हार्ट कैंडी का है ये हाइलाइटर, इसको मैं थोड़ा सा लगाऊंगी और इस एरिया में चाहे तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इस एरिया में और यहाँ पे इस तरह। नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग करना मैं भूल गई हूँ, जो मैं करने वाली हूँ मैं नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग वाकई भूल गई, क्योंकि करती हूँ मैं नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग। नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग करने की कोई सा भी प्रिसाइज ब्रश ले लें आप की मदद से आप कर सकते हो बड़े आराम से, तरह से जितना प्रिसाइज होगा ब्रश उतनी ज़्यादा अच्छी नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग होगी। बड़े ब्रशेस से नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब इसको हाथ की मदद से ऐसे और ऐसे करके ब्लेंड कर दिया। ये हो गई मेरी नोज की कॉन्टूरिंग और इस एरिया को भी थोड़ा सा मैं ऐसे, ये तो मेरा है ही डार्क। मैं आउटलाइन बना रही हूं, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करूंगी।
ये मैंने जो लिप कलर लिया है ये फ्लावर के नाम से है, ये मैंने सीवीएस से लिया है। फ्लावर के जो लिप कलर्स हैं बहुत, एक तो इनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत रीजनेबल भी हैं, और शेड बहुत प्यारे हैं इसके जितने भी हैं। ये है मेरे पास डार्क कलर में। अब इसके बाद मैं अपना ग्लॉस लगाऊंगी इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा लिप कलर हो गया है। अब इसके बाद मैं ज्वेलरी पहनूंगी, और थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये अपना, ये मेरे पास ग्लिटर है रेवलॉन का, ये मैं थोड़ा सा अप्लाई करना चाहूंगी। और मुझे डर है कि ये फैल जाएगा, इसका तरीका ये कि अप्लाई करके मुझे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। मेरे कपड़ों में गोल्डन कलर है तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अप्लाई किया है। इसकी ये बहुत अच्छी है ग्लिटर, लेकिन जो इसकी ये जो है पॉइंटेड सा जो इसका ब्रश है ये बहुत मोटा है, इसको पतला होना चाहिए। इस आई पे लगाया मैंने, इधर भी लगा लेती हूँ मैं थोड़ा सा, इसको मैं ट्राई करूँगी लगाऊंगी। इसमें आपको सफाई चाहिए होती है, नीटनेस चाहिए होती है, वरना सारा जो ये आपका जो ये है ये रुइन हो जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं सुखाऊंगी थोड़ी देर। अब इसके बाद में ये मेरा, ये देखिए मेरे ग्लिटर जो मैंने लगाया है ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके बाद मेरा ये सेटिंग स्प्रे है ये मैं अपने फेस पे करूँगी, वही जो मैं हमेशा करती हूँ अपनी आईज़ को छुपाते हुए। और थोड़ा सा मैं इसको पाउडर थोड़ा बहुत है एक्सेस जो है वो निकल जाए। इसके बाद ये मैं, ये मेरे सफोरा का है, देखिए इस तरह। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको थोड़ा सा, लॉन्ग लास्ट हो गया है ये मेरा मेकअप क्योंकि सेटिंग स्प्रे हो गया है, इसके बाद तकरीबन 6-8-10 घंटे कहीं नहीं गया। और कोशिश करें कि जो आपका सेटिंग स्प्रे वो अच्छी कंपनी का हो। अब इसके बाद एक चीज़ रह गई थी जो मैं भूल गई हूँ, जो मैं करना चाहूँगी। उसके अलावा थोड़ा सा मैं ये हाइलाइटर और यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे के बाद अगर आप हाइलाइटर लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है और ब्लिंक ब्लिंक हो जाता है। ओके, देखिए ग्लो, देखें ग्लो। अब ये मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मैं ज्वेलरी पहन के आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी, जो मेरा ब्राइडल लुक है। गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी पहन रही है, और ये आप मेरी आई शेड देख सकते हैं। ठीक
सेट किया अपना सारी ज्वेलरी वगैरह पहनी है क्योंकि ब्राइडल लुक है तो इसमें ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया थोड़ा सा ऊंचा करके यहाँ से और इस तरह से उम्मीद है आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया बाय बाय